Hi guys, this is NK Rao from Junior Study. Don't mock, try to build rational and logical study. तो इस वीडियो का हम लोग 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं जी. तो जब भी आप इस वीडियो को देखें लाइक करें. चलिए क्वेश्चन ऑफ रिवीजन की तरफ से बात करते हैं. तो मैं पूछना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2016 किसको मिला. दादा साहब फाल्के अवार्ड 2016 किसको मिला. हैकथॉन किसने शुरू किया था जी. हैकथॉन किसने शुरू किया था जी, ये भी बताइएगा क्वेश्चन का. और वेस्ट बंगाल गुजरात के सीएम कौन है जी. चलिए आज की बात करते हैं आज वाले क्वेश्चन का. तो पेटीएम के सीईओ कौन है जी. तो पेटीएम के सीईओ कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है जी. कौन है जी, तो विजय शेखर शर्मा है. गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी, तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी, तो अमिताभ बच्चन है. गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी, तो अमिताभ बच्चन है. तो इस तरह देख पा रहे हैं कि हम लोग एक एक क्वेश्चन जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ है उसी क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं जी. और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और जो आपका यहाँ पे हरियाणा और यूपी के कुछ एग्जाम्स हुए हैं उनके करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग क्या किया है, केवल ही संग्रह किए हैं. तो चलिए जी आगे क्वेश्चन है. 3 डबल सेंचुरी ओडीआई में किसने स्कोर किया है जी, तो रोहित शर्मा ने किया. किसने किया है, रोहित शर्मा ने किया है. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे. तो देख लिए, आपको देख सकते हैं 2011 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी. तो इतने पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि अपने आप में क्या है जी, एक डिफिकल्ट है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीनियर स्टडी चैनल का क्या है जी, ऑनलाइन रेलवे मेरा पुराना वाला चैनल का नाम है, नया वाले चैनल का नाम जीनियर स्टडी है. तो आप यहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं जी और आप यहाँ से समझ सकते हैं जो भी अपनी नॉलेज की चीज़ें हैं. आप यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, देखिए जी, ये ऑल ट्रेड का प्लेलिस्ट है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये इलेक्ट्रीशियन का जी, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है गलत हो गया है. उसके बाद जॉब फन है, इसमें आपको थोड़ा फालतू चीज़ें भी रहते हैं वीडियो. उसके बाद करेंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट है जी, यहाँ पर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आप सबको पढ़ना वो है. उसके बाद द हिंदू एडिटोरियल और कुछ उससे मुद्दे जो न्यूज़ वगैरह रहते हैं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जी. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने वीडियो को पढ़ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं जी. तो देखिए अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाए. ये देख लीजिए मेरा जीनियर स्टडी चैनल है, इसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को रिकमेंड करें. और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन दबा दें जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इससे नॉलेज लें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इससे बेनिफिट हो पे जी. चलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है. विनर ऑफ फाइफा 2018 कौन है जी, तो विनर ऑफ फीफा 2018 के कहाँ हुआ है सर, कहाँ कौन विनर है, तो फ्रांस है. ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 किसको मिला है जी, तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 मिला है कृष्णा सोबती को. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था. जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है, तो सत्यपाल मलिक है जी. देखिए मैं ये वीडियो है आपको 6 दिसंबर 2018 को बना रहा हूँ. इसके बाद अगर कोई भी इसमें चेंजेज होते हैं तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा. मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, मैं 6 दिसंबर 2018 को वीडियो बना रहा हूँ. जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक है जी. हरियाणा के सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है जी. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया जी, तो लॉर्ड लिटन ने स्टार्ट किया था जी. किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने लागू किया था. गुजरात का एरिया पूछ दी. अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली याद नहीं रहता, तो ये क्वेश्चन पूछा है गुजरात का एरिया, तो गुजरात का एरिया कितना है जी, तो 196,000 किलोमीटर. कितना है जी, तो 196,000, देखिए यानी इसको कह सकते हैं 200,000 किलोमीटर ऐसे भी. तो ये देखिए थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़े से इलॉजिकल याद करने का तरीका है, लेकिन क्या है जी, यही सही है. दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप क्या कर सकते हैं जी, समझ सकते हैं. तो 200,000 किलोमीटर स्क्वायर याद रखिए. इंडियन डिफेंस एकेडमी कहाँ है जी, तो इंडियन डिफेंस एकेडमी कहाँ है, पुणे में है. काजीरंगा नेशनल बायोस्फीयर कहाँ है, तो असम में. काजीरंगा नेशनल बायोस्फीयर कहाँ जी, असम में. रिहान डैम किस नदी पर है, तो रिहान डैम रिहांड रिवर पर है. कहाँ जी, रिहांड रिवर पर है. नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ है जी,
तो 1901 से नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ है और उसके बाद से देना स्टार्ट हो गया है जी। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है आपको 7 अप्रैल से। कब से मनाया जाता है जी? 7 अप्रैल से मनाया जाता है, 7 अप्रैल से मनाया जाता है हेल्थ वर्ल्ड डे। ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर धोनी है, जो आपको ये गेम वगैरह से रिलेटेड और सट्टेबाजी वगैरह से क्या है जी, ये सर्टिफाइड कंपनी है जो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो धोनी है। हिमा दास किस खेल से हैं? तो हिमा दास एथलीट्स हैं। हिमा दास इस बार 4x400 एशियन गेम चैंपियन में भी गोल्ड मेडल लाए हैं जी, ठीक है ना। हिमा दास क्या है जी? तो एथलीट्स हैं। महाराष्ट्र का एरिया कितना है? अब देखिए महाराष्ट्र का एरिया पूछा है, ये क्या है 307,000 किलोमीटर स्क्वायर है, 307 है, 200 गुजरात का है जी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। यंगेस्ट गोल कीपर ऑफ हॉकी कौन है जी? तो यंगेस्ट गोल कीपर ऑफ हॉकी कौन है? तो केविन है। कौन है? केविन है। इंडिया हॉकी टीम के कोच कौन है? तो हरिंदर सिंह है। इंडिया हॉकी टीम के कोच कौन है? तो हरिंदर सिंह है। SBI का चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार है। जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उमर अल रजाज। कौन है जी? जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर उमर अल रजाज है। कौन है जी? उमर अल रजाज है, उमर अल रजाज है जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है जी? तो निर्मला सीतारमन है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमन। आपको एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में, निर्मला सीतारमन किस स्टेट से बिलोंग करती है जी? मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा जी और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इंडिया हॉकी टीम के कोच कौन है? तो हरिंदर सिंह है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना कौन है जी? वहाँ की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। रोड एंड सेफ्टी के ऐप जो है, एक रोड एंड सेफ्टी ऐप लॉन्च हुआ है, उस ऐप का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। DMK पार्टी और AIDMK पार्टी किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो तमिलनाडु से बिलोंग करती है जी। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है जी? तो 133 है। एक्चुअली इंडिया के लोग क्या है जी, बहुत ही नाखुश हैं, क्या जी, सैड है, उदास है, तो ये देख सकते हैं 180 जो रैंक है, 180 देश में 133 रैंक इंडिया का है जी, तो हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा नहीं है कुछ। मोंटेक चेम्सफोर्ड ईयर 2000, मोंटेक चेम्सफोर्ड कब लागू हुआ था? 1949 में हुआ। कब लागू हुआ जी? तो 1949 में हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया। देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया। सिकंदराबाद में किसका मकबरा है? सिकंदराबाद में किसका मकबरा है? तो अकबर का मकबरा है। खुल्लम खुल्ला किसकी जीवनी है जी? तो ऋषि कपूर की ये ऑटोबायोग्राफी है खुल्लम खुल्ला। किस स्टेट ने तारे जमीन पर एक गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है जी, और ये किससे रिलेटेड है बताना है? तो ये नक्सल के चिल्ड्रन से रिलेटेड, नक्सल एरिया में जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको, चिल्ड्रन को एजुकेशन के लिए तारे जमीन पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा। एजुकेटेड झारखंड पुलिस, सॉरी नक्सल, तारे जमीन पर नेक्सल चाइल्ड एजुकेशन के लिए किया गया है। नेक्सल चाइल्ड ये किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड पुलिस के द्वारा किया गया। एक्चुअली झारखंड में जो नेक्सलाइट का प्रॉब्लम था उसको दूर करने के लिए ये सब प्रोसेस किया जा रहा है, तो नेक्सल वहाँ की पुलिस ने लॉन्च किया है। तो और सिमलर ऐसा ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है किसके द्वारा जी? छत्तीसगढ़ के द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाहुबली फिल्म का डायरेक्टर कौन है जी? तो बाहुबली फिल्म का डायरेक्टर SS राजामौली हैं। बाहुबली में आप बताइए उसमें जो विलेन का रोल लिया है कौन लिया है? तो राणा दुर्गापति लिए हैं जी। और कटप्पा का रोल किसने लिया है? तो सत्याराज ने लिया है, तो ये सब याद कर लीजिएगा जी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई। ऑपरेशन इंसानियत क्यों स्टार्ट किया गया जी? तो ऑपरेशन इंसानियत बांग्लादेश रिफ्यूजी मदद के लिए किया गया है। देखिए बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजी क्या है जी इंडिया में आ रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए ऑपरेशन इंसानियत स्टार्ट किया गया है। रोलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? लॉरेल के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है जी? दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण किसके साथ शादी की है जी? तो दीपिका पादुकोण रणबीर
सिंह के साथ शादी किया है। अभी कहाँ किया है लो? इटली में किया है जी। कौन सी नदी भारत से नहीं गुजरती है? कौन सी नदी भारत से नहीं गुजरती है जी? तो ब्रह्मपुत्र से नहीं निकलती है, सॉरी। कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है जी? तिब्बत से निकलती है, ये भारत से नहीं निकलती है। तो कुछ ऐसे भी देखिए, ज्योग्राफी से भी और हिस्ट्री से भी कुछ स्टेटिक क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो करंट से रिलेटेड है, वही पूछे जा रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग के बाद किस भारतीय बैडमिंटन ने टेस्ट में 300 रन बनाए जी? तो करुण नायर है। वीरेंद्र सहवाग के बाद कौन सा जी ऐसे भारतीय बैट्समैन है? करुण नायर है, जिसने 300 रन बनाए हैं जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो जाकिर हुसैन है। कौन है जी? मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो जाकिर हुसैन है। कौन सी ऐसी लाइन है जो इंडिया को क्रॉस करती है जी? तो कैंसर है, यानी कर्क लाइन है। कौन सा है जी? कर्क लाइन है। मुंबई इंडियंस के ऑनर कौन है? मुंबई इंडियंस के ऑनर कौन है जी? देखिए मैं बात करूँगा तो सारे मैंने ये जो ऑनर्स हैं, जो भी आईपीएल टीम के ऑनर्स हैं, उनको सारे याद करना पड़ेगा जी। मैं इसका वीडियो बना रखा हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसका। अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस का ऑनर कौन है, तो RIL यानी मुकेश अंबानी, यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या मुकेश अंबानी। कभी कभी इसमें नीता अंबानी भी दे देता है, तो नीता अंबानी को भी टिक लगाना पड़ता है जी। ऐसे एक्चुअली जो ए ग्रुप डी में आया था उसमें नीता अंबानी को ही दिया था, मुकेश अंबानी का ऑप्शन में नहीं था जी। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द लू हु टेक्स फर्स्ट 1000 विकेट स्टैंपिंग? पूछ रहा है कि लू क्या है जी? तो लू क्या है जी? लू आपको गर्मी के दिनों में चलती है जी, वही है लू। जिससे क्या होता है, हीट टेम्परेचर क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा राइज होता है, जिससे क्या होता है रिफ्रैक्शन होने लगता है एयर में, और उससे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। हु टेक्स फर्स्ट 100 विकेट स्टैंपिंग जी? ये बोल रहा है कि टेस्ट में कौन ऐसा प्लेयर है जिसने 100 स्टैंपिंग विकेट लिया है? 100 से ज़्यादा स्टैंपिंग विकेट नहीं लिया, तो MS धोनी ने लिया है। आवर प्राइम मिनिस्टर हु डॉट हमारे प्रधानमंत्री और किसकी बेटी ने होटल हैदराबाद में होटल को इनॉग्रेट किया जी? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी कौन थी? इवांका ट्रंप, जो गए थी लोग होटल में, हैदराबाद होटल में क्या किया, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था जी। तो इवांका ट्रंप कौन है जी? ट्रंप की बेटी है। और मेलानिया ट्रंप कौन है जी? तो इवांका ट्रंप की वाइफ है। तो याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का नाम है मेलानिया ट्रंप और इवांका ट्रंप उसकी बेटी का नाम है। अगर पूछा जाए कि US के फर्स्ट लेडी कौन है, तो कौन होगी? मेलानिया ट्रंप होगी। जो भी प्रेसिडेंट की वाइफ होंगे उसी को बोला जाता है जी। शोले मूवी में गब्बर का रोल किसने किया था? तो शोले मूवी में गब्बर का रोल अमजद खान ने किया था। किसने किया था जी? अमजद खान ने किया था शोले मूवी में गब्बर का रोल। बाहुबली में भल्लाल देव का रोल किसने किया था जी? अभी मैं पूछा था बाहुबली में जी, खलनायक का रोल किसने किया था विलन का, तो वही भल्लाल देव बना था। किसने किया था? तो रन्ना दुर्गापति ने किया था। किसने किया था जी? रन्ना दुर्गापति ने। आई डू व्हाट आई डू लिखा है रघुराम राजन ने। रघुराम राजन को बहुत सारा प्रेशर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि ये रूल चेंज कीजिए, वो रूल चेंज कीजिए। तो उसने रूल तो चेंज नहीं किया, लेकिन अपना क्या किया जी, RBI के गवर्नर से इस्तीफा दे दिया। रघुराम राजन ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने क्या किया, शिकागो के यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गए हैं जी। अभी वो शिकागो के ये शिकागो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया जी, अपना पद से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के फेवर में नहीं थे, या और भी सब पॉलिसी जो थी उनके गवर्नमेंट के पॉलिसी के फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया गवर्नर पोस्ट से। इसीलिए उसी पे उन्होंने बुक लिया था आई डू व्हाट आई डू, जो मुझे, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, इसे हिंदी होता है। लेकिन हिंदी नहीं पूछेगा, आई डू व्हाट आई डू बुक का नाम है, तो वैसे ही पूछेगा जी। बर्थ प्लेस, अकबर का बर्थ प्लेस कहाँ है? तो अमरकोट कहाँ है जी? अमरकोट में है। अमरकोट अभी कहाँ है? तो अमरकोट अभी पाकिस्तान में है जी। तो चलिए, हौसला 2017 का उद्देश्य क्या है? हौसला 2017 का उद्देश्य विभिन्न बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों द्वारा प्रतिभा प्रदर्शित करना। हौसला 2017 का उद्देश्य है जो विभिन्न बाल देखभाल जो संस्थाएं हैं उसके द्वारा बहुत सारे प्रतिभा को प्रदर्शित करना है जी। तो हौसला क्या है जो हमारे जो चाइल्ड्स हैं, जो अनाथ वगैरह बच्चे हैं, उनको क्या है जो, या जो चाइल्ड को डेवलपमेंट के काम करते हैं उनको क्या करना है जी, उनको प्रतिभा को छांटना है बच्चों का। USIBC के द्वारा किस CM को सम्मानित किया गया है? USIBC के द्वारा किस CM को किया गया है? तो M. चंद्रशेखर बाबू, M. चंद्र बाबू नायडू को।
यूएसबीसी द्वारा देखिए बेस्ट सीएम का अवार्ड मिला है, ये आपको राजस्थान के सीएम है कौन लेडीज हैं, वसुंधरा राजे को मिला है बेस्ट सीएम का अवार्ड, नीतीश को मिला है आपको बेस्ट, ये आपको बोले जाते हैं सुशासन बाबू, यानी सुशासन बाबू का अवार्ड मिला है, और 45वें अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य जो चीफ जस्टिस है कौन है जी, तो इंडिया के चीफ जस्टिस की बात किया जाए तो अभी 45वें जो चीफ जस्टिस है दीपक मिश्रा वो हट गए हैं, अभी 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने कौन बने हैं, तो रंजन गोगोई बोले हैं, रंजन गोगोई अभी क्या है जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के। फिल्म फेयर 2017 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो आमिर खान को मिला है, फिल्म फेयर 2017 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड आमिर खान को मिला है। तो थैंक यू सो मच, अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें। मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि इसमें सारे प्लेलिस्ट बनाए जा चुके हैं जी, ये देखिए सब प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस प्लेलिस्ट को जाएं और देखें, इसमें डेली करंट अफेयर का है जी, बेसिक साइंस का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ELP जो टेस्ट चल रहा है उसके लिए अलग से टेस्ट बने हैं जी, मैथ का अलग बना है, करंट अफेयर का अलग बना है। तो चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।